हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टी स्पाइस। तो रिसेंटली दीपिका कक्कर ने अपने चैनल पर लैमिंगटन्स की रेसिपी शेयर की थी और वो इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग थी कि एक बार उसको ट्राई करना तो बनता है। तो उन्होंने वनीला केक बनाया था बट वो एग वाला था। यहाँ पर हम एगलेस बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दही को पाउडर शुगर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर यहाँ पर हम तेल डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको एग्जैक्ट रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं मैदा, फिर हम लेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और इन तीनों को हम अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पर हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर लेने हैं। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया तो हाफ कप मिल्क था बट यहाँ पर मैंने 1/4 कप ही यूज़ किया है। यहाँ पर मैं वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे अभी थोड़ा सा कम लग रहा था दूध, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और हमारा जो वनीला केक है वो अच्छे से उसका बैटर रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लो, ऐसी फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे केक की। फिर यहाँ पर मैंने केक टिन लिया, मैंने स्क्वायर ही लिया। फिर यहाँ पर मैंने नीचे बेकिंग पेपर लगा दिया था और इस पर हम अपना सारा जो मिक्सचर था वो डाल देंगे। अब हम इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पर 20-25 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक हमारा केक अच्छे से बेक ना हो जाए। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, हम चॉकलेट सॉस बना लेते हैं। तो उन्होंने काफ़ी बल्क क्वांटिटी में बनाई थी, तो उनकी मेजरमेंट भी ज़्यादा थी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम आइसिंग शुगर लिया। उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर मिलाकर इसमें हम गर्म पानी मिलाकर एक फ्लोई कंसिस्टेंसी की हमारी सॉस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी सॉस अच्छे से रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो, मतलब उनकी जैसी ही लग रही है अभी तक तो मुझे। आई होप अच्छी बनी होगी। चलिए, अब हमारा जो केक था वो भी अच्छे से बेक हो चुका है और आप देखिए कितना अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। तो चलिए, अब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो डीमोल्ड के लिए सबसे पहले मैंने साइड स्क्रैच की, फिर इसको मैंने पलटा कर अच्छे से इसको डीमोल्ड कर लिया। अब हम बेकिंग पेपर को हटा देंगे और अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप चाहो तो जो इसकी टॉप लेयर है उसको आप कट कर सकते हो, बट मुझे एज इट इज़ ही पसंद है। थोड़ा सा क्रंच आता है हमारे केक को खाते टाइम, और वैसे भी हम इसको सॉस में टिप करने वाले तो हमारा केक पूरा सॉफ्ट हो ही जाएगा, तो इसलिए मैंने टॉप लेयर नहीं हटाई। थोड़ा सा काटने में मुश्किल हो सकती है बट ट्रस्ट मी, ये खाने में बड़ा यमी लगता है एज इट इज़ ही। तो मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इसका पीस निकाल कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। जिनको भी लगता है कि विदाउट एग तो केक बन ही नहीं सकता, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। देख लो आप कितना सॉफ्ट हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो चॉकलेट सॉस हमने बनाई थी उसके अंदर हमारा केक का पीस लेंगे, उसको अच्छे से डिप कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने फोक की मदद से इसको उठाकर नारियल के अंदर इसको अच्छे से कोट कर दिया। यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था और ऐसे ही करके हम एक एक अपने सारे लैमिंगटन्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे लैमिंगटन्स को अच्छे से रेडी कर लिया। अब हम कट करके देख लेते हैं कि जैसे उनकी लेयर्स आई थी वैसी आई है या नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया ये और खाने में भी बड़ा यमी था, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।